अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, काफी पैनलिस्ट हमारे अभी आए नहीं है, जैसे जैसे आते हैं मैं ऐड करते चला जाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, जितने भी हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं कहीं ना कहीं मिरेकल लिंक्स प्रोडक्ट का उन्होंने उपयोग किया है और हमारे टेस्टिमोनियल भी हैं कह सकते हैं एक तरह से। सो मैं आप सभी को आग्रह करूंगा कि दो दो मिनट आप अपने बारे में बताएं, मिरेकल लिंक्स के बारे में बताएं एंड उसके बेनिफिट के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा केसी दुबे जी से, तो दो मिनट मिरेकल लिंक्स के बारे में बताएं। गुड इवनिंग सर एवरीवन। सभी को मतलब कृपया आप लोगों को म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो सभी लोगों को मैं गुड इवनिंग और प्रणाम बोलता हूं। एंड अभी जो पैनल में है आई थिंक एक्सेप्ट मिस्टर मधु प्रसाद उपाध्याय जी एंड मिस्टर अरुण कुमार जी, सभी लोगों मतलब इस दवा को लेकर के उन लोगों को क्या क्या इफेक्ट हुआ है। सो आप लोगों अपना मतलब अनुभव को कहे तो बाय द टाइम जो पार्टिसिपेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेगा। अभी पहले टुनू जी जो कहा कि मिस्टर केसी दुबे जी फ्रॉम यूपी, सो एंड प्लस इसमें जो बैठा हुआ है मेघालय से मिस्टर मधु प्रसाद उपाध्याय जी एंड गुवाहाटी से मिस्टर अनूप शर्मा जी एंड उसके बाद में यस एंड यूपी से मिस्टर संजय जी एंड राकेश जी एंड मिस्टर केसी दुबे जी एंड फ्रॉम बिहार से अरुण कुमार जी एंड उमेश मांझी जी एंड उसके बाद में फ्रॉम उड़ीसा से मिस्टर राजेश जी तो एंड विक्रम क्षेत्रिया जी फ्रॉम अगेन मेघालय से। सो सभी को मैं वेलकम करता हूँ। सो क्योंकि इतना पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, इसलिए पहले अपना अपना मतलब क्या क्या प्रॉब्लम के लिए आप लोग लिए थे, कैसा लगा, सो उसके बारे में आप लोग कहे तो बाय द टाइम जो दूसरे को बोर भी नहीं होगा, जो पार्टिसिपेंट्स मोर देन यू नो हंड्रेड्स है, सो उन लोगों को ऑटोमेटिकली उसके बाद में हम लोगों लेक्चर शुरू करेंगे। सो लेट मिस्टर केसी दुबे जी अपना अनुभव को एंड प्लस वेद स्टैमिना अपना मैडम भी लेकर के कैसा मतलब नींद का ये सारे चीज हमको जो बताए थे, सो दोस थिंग्स बताए तो, क्योंकि हर आदमी को हर चीज के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होने के बाद ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी आता है। सो एवरीथिंग मतलब ब्रेन का खेल है। सो उदाहरण में बताऊंगा, सो हम जो लेक्चर देने के समय पर माननीय मंत्री महोदय लोगों
जो क्या कहा ये जो टेस्टिमोनियल के बारे में, सो आपको आश्चर्य लगेगा, उसको भी मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सो कैसा लॉन्च हुआ, लॉन्च में भी सारे लॉन्चिंग पैड में उपयोग करके जो अच्छा हुआ था वही लोग होता। सो इसलिए आज जो है वेरी यूनिक वे वी आर डिस्कसिंग ऑन दी वेरियस इश्यूज, पर्टिकुलरली आज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और इंसोमिनिया का है। सो अभी मतलब पहले आप लोग शुरू करें तो फिनिश होने के बाद मैं लेक्चर दे दूंगा, और लेक्चर देते देते और कौन कौन मतलब पेशेंट्स और है, सो उन लोगों ऑटोमेटिकली उन लोगों को भी मिस्टर टुनोजी मतलब ये करेंगे, कॉल करेंगे, सो ऑटोमेटिकली उन लोगों भी डिस्कस करेगा। हमारा डॉक्टर अखिलेश जी भी फेस नजर आ गया, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। सो ओके मिस्टर केसी दुबे जी, कंटिन्यू कीजिए आप। सो सर सब लोग वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, ताकि नहीं तो टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, सबको बोर भी नहीं होना चाहिए, टेस्टिमोनियल कभी भी बोर नहीं होगा, इसलिए शुरू कीजिए। हेलो, हाँ क्लियर है वॉइस, वॉइस एक सेकंड दुबे जी, दुबे सर आप म्यूट हैं, हेलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रही है, बोलिए, आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है, हाँ। वैसे तो मैं 17 साल से ट्रेनिंग का काम करता हूँ, कई सारे प्रोडक्ट पे काम किया हूँ, बहुत दिन प्रोडक्टों को यूज भी किया हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जब मिरेकल ड्रिंक्स की फैक्ट्री में गया, मैंने प्रोडक्ट को देखा तो मुझे उसकी इफिकेसी बहुत अट्रैक्ट किया मुझे, और मेरे साथ थे एक डॉक्टर चक्रवर्ती बंगाल से थे, उनको रात को खराटे लेने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और वो लॉन्ग टाइम उन्होंने BMS डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, तो मेरे साथ वो बैंगलोर में सर के ही गेस्ट हाउस पे हम लोग फ्लैट में थे, और इतने खराटे आ रहे थे कि हम भी परेशान थे, तो मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट का ट्रायल इन्हीं के साथ किया जाए पहली बार, और मैंने उनको कार्डियो केयर दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे नेक्स्ट डे से खराटे 90% खत्म हो गए, और 2 दिन के अंदर, मतलब 2 दिन उन्होंने वहां पे साथ में रहे थे, वो 2 दिन में पूरा उनका खराटा खत्म हो गया। उन्होंने कहा सर कि मैं पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा था, इसमें आराम नहीं मिला, फिर मैंने कई प्रोडक्ट पे काम किया, गैस्ट्रो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आर्थो देता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि शुगर या गैस्ट्रो या प्रॉब्लम जो आर्थो की है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और एक प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि पेशेंट हैज नो पेशेंस, पेशेंट को पेशेंस नहीं होता है, वो घबराते हैं, शुगर में आराम नहीं मिल रहा है, ज्वाइंट पेन में आराम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आराम मिलेगा अगर आपको अपनी फूड हैबिट ठीक कर ले, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को यूज करे। मैं आपसे कहता हूं कि 100% आर्थो और शुगर का रिजल्ट आता ही आता है, मैंने इसको यूज किया है, और अभी कंपनी लॉन्च किया वेद स्टेमिना, मेरे पास तो एक ही सैंपल आया था, मैंने कुछ लोगों को दिया, मैंने भी यूज किया, नो डाउट प्रोडक्ट अल्टीमेट है, और मैं इतना बोल सकता हूं आपको कि जितने प्रोडक्ट कंपनी के हैं सब अच्छे हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि मैंने इसको यूज भी किया, अनुभव भी किया, और कुछ मैंने लोगों को निकाल के इसको ऐसे ही पाउडर पुड़िया में दिया, उन्होंने भी 2-3 दिन खाने के बाद बोला सर इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये प्रोडक्ट अपने आप में पूरे इंडिया में एक मिरेकल करेगा, ये मैं बोल सकता हूँ, एक बार आप यूज करें, लोगों को प्रेस्क्राइब करें, फिजिकल एनर्जी हो, सेक्सुअल एनर्जी हो, नींद की प्रॉब्लम हो, आप वर्कआउट अच्छा करते हैं वहां थकान लगती हो, आप एक बार यूज कर देखें, बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट इसका है। थैंक यू। ओके मिस्टर राकेश जी, आप बताइए आपका जो इश्यू था कैसा मतलब सॉल्व हुआ, सही क्या प्रॉब्लम था? सर राकेश कुमार मेहता बोलेगा कि याद यूपी वाले राकेश जी बोलेंगे सर? यादव जी पहले बोलेगा। गुड मिरेकल एवरीबॉडी, राकेश कुमार यादव फ्रॉम वाराणसी, और मैंने अगस्त में पहली बार इस कंपनी में विजिट किया था, और एज ए ट्रायल के रूप में हम बंगलोर गए थे देखने की, चलते हैं देखते हैं पता नहीं कैसा प्रोडक्ट है,
वहां जाने के बाद जब मैंने फैक्ट्री को विजिट किया तो मुझे लगा कि जब फैक्ट्री इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, तो प्रोडक्ट भी बेहतर होगा। और मैंने सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्रायल किया। मेरी प्रॉब्लम शुगर और बीपी दोनों की है। फर्स्ट टाइम जब मेरा शुगर था, फास्टिंग मेरा 350 था और बीपी मेरा लगभग 500 के आसपास था। उसके बाद मैंने रेगुलर दवा लेनी शुरू की थी, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं इसी लाइफ में, अभी उम्र 40 ईयर है, अभी से अगर मैं दवा खाऊंगा तो फिर मैं और बर्बाद हो जाऊंगा। फिर मैंने सर से मुलाकात की बंगलोर में। मैंने कहा सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। सर ने बोला कि ठीक है, आप दवा भी लेते रहो और इसे भी आप चालू रखो। विश्वास मानिए, मैंने जब लेना इसको शुरू किया और आज की डेट में मैं मेडिसिन नहीं खाता हूँ। आज की डेट में मैं ना तो बीपी की खाता हूँ और ना शुगर की खाता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने डाइट थोड़ा अच्छे ढंग से फॉलो किया। फ्लैक्स मैं बताऊं कि मैं बहुत अच्छे ढंग से लेता हूँ आज भी। और प्रेजेंट टाइम में जो मेरा शुगर रहता है 120, 130, बहुत अभी कभी बढ़ के जाता है। और बढ़ता कब है, जब मैं फील्ड में वर्क करने के लिए निकलता हूँ, थोड़ा सा डाइट नहीं मेंटेन हो पाती है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर भी 150 के अंदर ही मैंने उसको कवर करके रखा है। हाँ, दवा मैं रेगुलर लेता हूँ। और बीपी की अपनी मैं बात करूं, अगर मुझे 50 सीढ़ी कंटिन्यूअस चढ़नी पड़ती थी तो मेरी सांस फूलने लगती थी। लेकिन जब मैंने कार्डियो लेना शुरू किया है, कंडीशन है कि आप वही 50 सीढ़ी मुझे दो बार चढ़ा लीजिए, दो बार उतार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मिराकल का मैंने जादू देखा। और उसके बाद हमने तब जाकर के इसको लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने अपना बांदा में एक पैरालाइज पेशेंट को दिया था, जिसको मान लीजिए ये कि उसका हाथ उठता तक नहीं था। एक हफ्ते के हाथ उठने लगा और वो 15 दिन के अंदर अपने बिस्तर से चल करके सारी एक्टिविटीज करने लगा। फिर से हम लोगों ने मिरेकल ड्रिंक को इस ढंग से प्रमोट किया कि आज मैं तो ये नहीं कहूंगा, शायद राजू सर, टुन्ना सर बताएं कि हम और संजय भाई मिल करके यूपी में कितने अच्छे ढंग से मिरेकल को प्रमोट किए। और एक इतना बेहतरीन चारों तरफ से रिजल्ट आ रहा है कि हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के जितने पेशेंट हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि आप कहीं से ला के दो लेकिन मुझे दवा दो। कंडीशन ये है कि हमारे यूपी में कहीं भी दवा बची नहीं है। अब हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर देखिए कैसे हमारे यहाँ तक पहुँचाते हैं, अब ये सर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो सर, अब तक मैं बताऊँ, आयुर्वेद में इस तरह का हम लोगों को कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है। अगर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और अपने मुंह को थोड़ा सा कंट्रोल करके हम लोग यूज करें तो इससे बेटर रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है और हम लोग एलोपैथ से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। संजय जी आप बताइए। हाँ सर। हाँ संजय यादव जी। हाँ संजय जी, माइक ओपन कर ले, माइक ओपन कर ले। जी सबको नमस्कार, मैं संजय यादव यूपी से। अभी राकेश सर यूपी के सारी चीजें आपको बताएं तो अभी बचा है मेरा अपना पर्सनल रिव्यू। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जब फैक्ट्री से विजिट करके आए तो उस समय हमको बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फील्ड में उतरने के बाद बहुत सारा रूटीन में, हमारे डेली रूटीन में गड़बड़ी हुई। देन क्या हुआ कि एक्चुअली पहले से लीवर प्रॉब्लम था मुझे, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारे दाहिने साज हल्का हल्का दर्द करता तो मैं गैस समझ के छोड़ देता। लेकिन एक्चुअली 2-3 महीने जब फील्ड में उतरा तो देखा कि ये प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। मेरा पेट फूल जाता था और ये हाल होती थी कि मुझे ऐसा होता था कि अस्थमा का मैं मरीज हो गया हूँ, इतना सांस फूलने लगता था। देन क्या हुआ कि प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि मुझे ये समझिए कि इंसुमिनिया भी कह सकते हैं। और इतना प्रॉब्लम बढ़ गई कि मैं फोन उठाने में या मैं ये सोचा कि बहुत बड़ी बीमारी। देन राजू सर से हमने डिस्कस किया तो राजू सर कहें कि आप देखिए केवल गैस्ट्रो है, लीवर है, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक्चुअली एक अपने परिवार से एक बड़ा हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, तो क्या हुआ कि फैमिली में रहने के नाते सबसे पहले हम वहाँ पे गए। लेकिन देन 1-1.5 महीने इलाज के कोई मतलब नहीं, 10-15 दिन मैंने अपना दवा यूज किया, 10-15 दिन काम को ब्रेक करके घर पे रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मुझे जानते हैं या सर भी जानते हैं, हमारी बॉडी में इतना ज्यादा फैट हो गया। मैंने चेकअप कराया तो फैटी लीवर था, स्टेज 2 था,
दिन अभी 15 से 20 दिन में मैं बताऊं कि एकदम रिलैक्स हो गया। अभी मैं कुछ भी खा लेता हूं, कैसे भी रहता हूं। एक्चुअली हॉस्टल लाइफ होने की वजह से नींद भी नहीं आना, रात रात जागने की आदत पड़ गई थी। अभी 2 महीने मुश्किल से हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और सारी प्रॉब्लम दूर हुआ। बेसिकली मुझे गैस्ट्रो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ भी खाता था, कुछ भी हल्का एक भी रोटी खा लिया तो पेट फूल जाता था। लेकिन 15 से 20 दिन में ही हमारे रिजल्ट आ गए और सुपर तरीके से। और हम लोगों ने इन 3-4 महीने में यूपी में काम किया, आप बिलीव नहीं करेंगे। हमें लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 2 करोड़ रुपए का बिजनेस या 2 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बेच पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एमएलएम से जुड़े हैं या कई मार्केटिंग से जुड़े हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट की ही ताकत थी कि हम लोग 3 से 4 महीने में पूरे यूपी को कवर किए और इतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ, वो सिर्फ प्रोडक्ट के रिजल्ट पे। या यह भी हम कह सकते हैं आज तक नहीं कुछ तो 10,000 पेशेंटों तक हम लोगों ने दवा को पहुंचाया। आज तक मेरे संज्ञान में ऐसा किसी का फोन नहीं आया है कि सर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है। आया भी है तो उसने हमारा जो हमारे प्रोडक्ट का रूटीन है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको फॉलो ना किया होगा। तो अगर ये कि भी ऐसा फोन नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि वाकई में जैसा नाम है मिरेकल, वैसा काम भी है इसका। तो हम यही कह सकते हैं कि सुपर प्रोडक्ट है, इसका कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है, किसी के पास नहीं है। जैसे कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम की बात बताएं, हम डॉक्टरों से मिलते थे और यह भी जानते थे कि गैस्ट्रो का कोई आयुर्वेद या मिरेकल को छोड़ के या राजू सर ने जो दिया इसके अलावा गैस्ट्रो की कोई परमानेंट दवा ही नहीं है। आप तुरंत रिलीफ पाने के लिए कुछ भी कोई भी दवा ले सकते हैं, मार्केट में तरह तरह की दवाएं हैं, लेकिन मैं परमानेंटली सलूशन हमको इस अपने दवा से मिल गया और अभी मैं एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हूं। जी सर, थैंक यू। अभी राकेश मेहता जी को बोलेंगे, आप अपना भी बताइए, झारखंड से है आप, और उसके बाद में डॉक्टर अखिलेश जी बताएगा, बताइए। आवाज नहीं आ रहा है, राकेश जी? हेलो, आवाज आ रही है सर। सर मेरी जर्नी आज से 8 महीना पहले फुल फेज में शुरू हुई, पर इस कंपनी में लगभग 12 महीना से हूँ। और यही मैं बोल सकता हूँ कि इस कंपनी का रिजल्ट ये है कि मेरी मम्मी को किडनी में प्रोवेंट मम्मी को दवा दिया और आज वो पूरी तरह से क्लियर। इस लॉकडाउन के तहत अभी तक जो लोग आके मेरे से प्रोडक्ट ले जा रहे हैं और सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि सर आपके सर को बोलिए ना, कोरोना का भी कुछ करेंगे। तो ये गलत बात है कि सर पे इतना विश्वास है, इनके प्रोडक्ट पे इतना विश्वास है कि लोगों ने सर पे उम्मीद जताया हुआ है कि कुछ हो सकता है। और रियली मैं अभी तक यही बोलूंगा, ना तो मैं कहीं सुना नहीं, कुछ लोग मेरे को छोड़ के चले गए जो दवा लेते थे, पहले विश्वास नहीं किए, पर वो रिटर्न बैक मेरे पास आ रहे हैं। किडनी पेशेंट आज लगभग मेरे पास 5 पेशेंट हैं और 5ों पेशेंट इतने अच्छे हैं कि वो खुद से आते हैं, दवा लेते हैं, जाते हैं और लगभग किसी का भी क्रिएटिन लेवल जो था कभी 14, 15, 19 तक चला गया था, आज वो 6-7 में आके अटका हुआ है। लगभग दवा की अगर मैं बात करूं तो किन्होंने 4 महीने खाया है, किसी ने 3 महीना खाया है, रिजल्ट है। शुगर का इंसुलिन पेशेंट लगभग मेरे ही 2 टीचर हैं जो 2 टाइम इंसुलिन लेते थे, आज वो इंसुलिन से बाहर है। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा हथियार हमें मिला है जिस हथियार को लेकर हम आसानी से लोगों के बीच में जा सकते हैं। और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, 3rd स्टेज होने के बाद ही लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें ठीक कीजिए, हमारे लिए कुछ दवा है तो बताइए। ताकि 1st स्टेज 2nd स्टेज तो चले जाते हैं एलोपैथ में। मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब 1st स्टेज और 2nd स्टेज के लोग हमें और हमारे पास आएंगे और हमें मौका देंगे कि अच्छे तरह से हम प्रोडक्ट को दे सके और लोगों का इलाज कर सके। और दुबे सर हैं, दुबे सर का मार्गदर्शन रहा काफी समय से, कभी कल फोन में बताते हैं राकेश जी ऐसा करना चाहिए होगा तो अच्छा लगता है। तो सर मैं इतना ही बोलूंगा, रिजल्ट हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल है कि हम बोल नहीं सकते हैं और
मैं इतना ही बोलूंगा सर, अभी हमें कैरी फॉरवर्ड करके लोगों को जाना है। कुछ लोग आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलने के लिए कहते, कोई दिक्कत नहीं, अभी डॉक्टर अखिलेश जी बताएगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ये इनसे बाहर हो चुके हैं, मेरी मम्मी का पथरी किडनी से आउट हो चुकी है, ये जो मेरा घर का अपना रिपोर्ट है, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वही अभी मैं डॉक्टर अखिलेश जी को बोलेंगे फ्रॉम झारखंड, आप अपना मतलब अनुभव बताइए। चलिए, नमस्कार सभी मिराकल ड्रिंक कर्जकर्ताओं को हमारे तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर एके भारती कोडरमा झारखंड से। हमारे फादर का गैस का प्रॉब्लम था, गैस्टिंग से बहुत काफी वो परेशान रहते थे, यानी उनको गैस्टिंग 98 से शुरुआत हुआ था और बहुत काफी एलोपैथिक दवा भी खा चुके थे, लेकिन उनको कोई कंट्रोल नहीं ऐसा हो पा रहा था। जब भी दवा खाते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन फिर भी एक दो दिन में फिर ऐसा होना शुरू हो जाता था। तो 19 मार्च 2019 को सर से कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुआ, टूना सर से बातचीत हुआ, इन्होंने बताए दवा के बारे में। तो हमने सबसे पहले नंबर पापा के ऊपर ही दवा को चलाए गैस्टिंग को लेकर। तो पापा को गैस्टिंग को दवा दिए, यानी गैस्ट्रो दिए और S1 यानी एंटी एजिन दिए, मैं दो फाइल उनको दिए, थोड़ा बिटनेस भी था। और ये चीज देने के बाद हमारे फादर को लमसम 10 से 12 दिन में दर्द बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है और अभी लमसम 1 साल से ऊपर हो गया है। और हमारे फादर लमसम 3 महीने के बाद मतलब सिर्फ गैस्ट्रो उनको दिए हैं और अभी तक वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे फादर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से ये है, जॉब में है, तो उनका एक सीनियर जो अफसर थे वो दरोगा हैं, उनका भी वाइफ का इसी तरह का गैस्टिंग का प्रॉब्लम था। तो हमारे फादर बात किए उनसे, अपना सीनियर से, कि हमारे लड़का जो ऐसे आयुर्वेदिक दवा देते हैं, डॉक्टर हैं, तो हम खाए ठीक हो गए, आप भी बोलते रहते हैं सर कि मेरा वाइफ का इस तरह का परेशानी है। तो उनका नाम है राकेश कुमार, राकेश जो दरोगा है, उनका पत्नी को भी हमारे फादर ही लेके दिए हैं दवा और वो भी बिल्कुल अभी कंप्लीट है, मतलब किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और ये मिराकल ड्रिंक जो प्रोडक्ट है, इससे मैं कम से कम 500-600 पेशेंट मैं ऐसा कंप्लीट किया हूं कि लोग देख के डरता है पेशेंट को। जैसे मैं चेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, लिवर कैंसर, पैरालिसिस वगैरह बहुत सारे ऐसा टेस्टमोनियम कोडरमा जिला में, डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में मैं ट्रीटमेंट किया हूं कि लोग आज समझिए कि मिराकल ड्रिंक के वजह से मैं काफी जाना जाता हूं, मतलब किडनी प्रॉब्लम तो किडनी स्टोन वगैरह ये सब बहुत काफी मिराकल ड्रिंक प्रोडक्ट से कंप्लीट हुआ है। तो मैं तो हॉस्पिटल चला रहे थे आपका ये कोडरमा में, मेरा हॉस्पिटल खुद का है, लेकिन अब क्या है कि उससे ज्यादा मैं मिराकल ड्रिंक प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ। और मैं आशा विश्वास रखता हूँ कि हमारे सर जो SM राजू जी हैं, आने वाला समय में हम लोग को हर यहाँ से नहीं होगा, एक से एक प्रोडक्ट तैयार होगा और मिलते रहेगा और हम लोग जुड़ के समाज सेवा करते रहेंगे, काफी पेशेंट को हम लोग ठीक करेंगे जो अपने जिंदगी में सोच लिया है कि अब हमारा लाइफ में कभी ऐसा बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, वैसा बीमारी को हम लोग चैलेंज दे के और ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू। अभी उमेश मांझी जी, आप बताइए, आप एक्सीडेंट होकर के बैक बोन टूट गया था, सो कैसा आप मतलब उसको ठीक हुआ है, थोड़ा आप बताइए। पहले कार भी नहीं चला सकते थे, कार चलाओ ऐसा हमको बताए थे, आप बताइए। म्यूट निकाल, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सभी लोगों को। मैं सर के साथ मेरे काफी काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट जनवरी 28 जनवरी को मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी पोल आधा टूट करके मेरे ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा सिर में काफी गंभीर चोट आई थी, मेरा वो रीढ़ में भी काफी चोटें आई थी और चेस्ट
का दो लेफ्ट चेस्ट का दो बोन टूट गया था और लेफ्ट थाई का जो बोन है वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। मैं काफी यहाँ लोकल IGMS और कई पटना के काफी नामी गिरामी डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट में था लेकिन कई जगह से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। लास्ट IGMS में मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद से मैं बेड में था। ऐसे ही सर एक दिन फोन किए तो सर को मैंने बताया कि सर मैं तो अभी बेड में हूँ और रियली काफी बोन में दर्द था और एक साल से मैं बेड में था एकदम रहा था। तो मेरे घुटने में भी जब मैं खड़ा होने की कोशिश करता था तो मेरे घुटने में काफी दर्द होता था और मेरे जो सोल्जर थे और जो हैंड थे वो काफी उठाने में काफी दिक्कत होती थी। इनफैक्ट मतलब मैं बोलूं तो मेरे को बेड मैं लेटा रहता था तो बेड पर से उठाने के लिए मेरी वाइफ और मेरी बेटा मेरी बेटी और मेरा बेटा ये सब लोग सहयोग करता था तब मैं उठ करके और वो खाना वगैरह खा पाता था। लेकिन लास्ट दिसंबर में सर ने मुझे कॉल किया और मैंने सर को बताया कि सर मेरी ये स्थिति है तो दे वर शॉक मतलब उनको भी एक अविश्वसनीय लगा। उन्होंने उन्होंने जो वर्ड मुझे जो बोला था उस समय बोले डोंट वरी यू विल गेट अप इन 15 डेज और उसी समय सर ने कुछ प्रोडक्ट मुझे कुरियर किया और उसको रिसीव करके मैं सबसे पहले ऑर्थो खाना शुरू किया। यू कांट बिलीव कि मतलब मैं मुझे लोग दो तीन लोग उठा करके बैठाते थे पेट पे मैं उसको खाना शुरू किया। देन 15 डेज ओनली 15 डेज में मैं अपने से खड़ा होने लगा घुटनों पे जो मेरा घुटने में जो दर्द है। थोड़ा तुरंत कंप्लीट कीजिए उमेश जी। तो घुटना में काफी खड़ा हो गया और उसको मैं कंटिन्यू किया। एक महीने में मेरा जो बॉडी में जो भी पेन था जो बोन में जो पेन था वो पेन खत्म हो गया और उसके साथ ही काफी मतलब लास्ट वन ईयर से मैं अभी मैं अपना व्हीकल भी नहीं चला पाता था तो फरवरी से मैं गाड़ी चलाना भी शुरू किया। तो ऑर्थो मैं दूसरे प्रोडक्ट का मैं यूज नहीं किया हूँ सिर्फ ऑर्थो यूज किया और ऑर्थो की वजह से मेरा ये एक सही में जो मिरेकल ड्रिंक से मिरेकल हुआ और आज मैं काफी स्वस्थ हूँ। कई और प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा सर को और ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मिरेकल बिजनेस में हम आए और जनवरी में हमने शुरू किया इस बिजनेस को और लास्ट अक्टूबर नवंबर में हमने विजिट किया था फैक्ट्री एंड कॉर्पोरेट ऑफिस कंपनी का। सर से भी वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी और एक चीज मैं कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि पिछले MLM का एक लंबा अनुभव मेरा रहा है। वैसे मैं जॉब बैकग्राउंड कर रहा हूँ। पीछे हमने एक कंपनी भी चलाई दिल्ली बेस्ड कंपनी लगभग 4 साल हमने चलाई और इस दरमियान में आयुर्वेद की ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को विजिट करने का मौका मिला मुझे। लगभग 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मैंने विजिट किया है और लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया मिरेकल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक चीज़ मैंने डिफरेंट महसूस किया कि मैंने अभी तक जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विजिट किए एक भी ऐसा नहीं था। मैं कह सकता हूँ जो मुल्लूर फ्लोरा है जो जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं मिरेकल ड्रिंक्स स्टेट ऑफ आर्ट। इसका दूसरा उदाहरण शायद ही कहीं मिले जितनी जगह मैं घूम चुका हूँ। फुल्ली ऑटोमेटिक और जो हाइजीन एवरीथिंग जो ध्यान रखा जाता है अल्टीमेट है और कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। दूसरी बात जो कंसेप्ट है लाजवाब है और उससे भी बेहतर जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट का मिशन विजन
मैंने एक चीज महसूस किया, कितना बढ़िया कंसेप्ट, इतना लाजवाब प्रोडक्ट, और जो मिशन और विजन है मैनेजमेंट का विद द काइंड सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, हम सचमुच एक मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ का टर्नओवर हर महीने क्रिएट कर सकते हैं और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में बाहर ला सकते हैं। प्रोडक्ट हमने खुद यूज किया है, मेरी वाइफ ने यूज किया, अल्टीमेट है। और जनवरी से ये काम वास्तव में हमने शुरू किया है और जनवरी के बाद जो रिजल्ट्स हैं मार्वेलस हैं, जबरदस्त हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सौभाग्यशाली हम सारे लोग जो मिरेकल में है, और हम इंतजार कर रहे हैं अगस्त का जब सर फुल्ली मिरेकल को टेक आउट करेंगे, फिर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अमित जी फ्रॉम ओडिशा। आप बताइए, दो दो मिनट क्योंकि अभी फिनिश करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे मेन एजेंडा। कौन? दो मिनट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन मिरेकल ड्रिंक्स आप यूज करके कैसा हुआ ये? मिरेकल ड्रिंक का ऐसा नहीं है जो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मेरा जो जर्नी शुरू हुआ नवंबर 2018 को, जब हमने फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए गए थे और मेरे साथ में करीब 20 लोग हम लोग गए थे फैक्ट्री को विजिट करने। और उसमें सबसे बड़ा जादू ये हुआ कि जो पिछले 18 साल से कंस्टिपेशन के पीड़ित थे, जो हमेशा जाके टॉयलेट में करीब करीब एक घंटा दो घंटा बैठे रहते थे, उन्हीं का प्रॉब्लम जस्ट ही दो दिन के अंदर ठीक हो गया। जी, तो ये सबसे बड़ा जादू रहा। और तब से लेके अभी तक का हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस प्रोडक्ट का हमने मतलब इस्तेमाल करके रिजल्ट नहीं लिया। हमारे 8 प्रोडक्ट में से हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है। कैंसर बोलिए, चाहे अर्थराइटिस का पेशेंट बोलिए, चाहे डायबिटीज का पेशेंट बोलिए, चाहे गैस्ट्रिक का पेशेंट बोलिए, चाहे कार्डियो का पेशेंट का, हर प्रोडक्ट का हमने डिटेलिंग के साथ में हमने गए थ्रो, और इसका बेहतरीन रिजल्ट हमें मिला है। आज गैस्ट्रो का दिन है, आज मैं गैस्ट्रो के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। जिस दिन जिस प्रोडक्ट का बारी आएगा उसी प्रोडक्ट के ऊपर हम टेस्टिमोनियल बोलेंगे। आज स्पेशली हमारे साथ में एक हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, मिस्टर शेखर पॉल जी, शायद वो लाइन पे हैं, तो उन्हीं का भी टेस्टिमोनियल सुनेंगे। वो लाइव टेस्टिमोनियल है हमारे पास में। थैंक यू सर। बाद में अभी मेन जो है इन लोगों फिनिश करेंगे। राजेश कुमार कराजी आप बताइए, आपका पर्सनल अनुभव जो है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी सर। गुड इवनिंग। मेरा पर्सनल जो है सर, आपका वो मतलब अगेन वी विल गो टू मेन एजेंडा। जी सर, तो अगेन सोचेंगे सर का मेन एजेंडा के बाद, तो फिर वन बाय वन सभी जो भी बाकी पैनलिस्ट है उनका भी सर प्लीज शुरुआत करें। तो हम लोग अभी आपका जो डिस्कस करेंगे उसके बाद में हम लोग मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आकर के। पहले मैं फोकस करता हूँ, अभी मानसून सीजन आ रहा है, सो इन मानसून सीजन में आप लोगों एटलीस्ट कुछ ट्री प्लांटेशन आप लोग करना है। आज जो है जो भी बीमारी है, सो बीमारी का मूल जड़ क्या है कि ये जो है टोटली एयर में जो पोल्यूशन का जो ये होता है राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कार्बन सीक्वेस्टर में इंबैलेंस होने की वजह से ये सारे चीजें। सो उसमें भी मैं आप लोगों को मैं अनुरोध करेंगे वो भी ट्री प्लांटेशन में मोरिंगा। आज आपको आश्चर्य लगेगा, मोरिंगा का पत्ता का पाउडर का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मोरिंगा इतना पावरफुल है कि
वो सिर्फ मोरिंगा पत्ता आप लोगों को ड्राई करके आधा आधा टीस्पून भी एवरीडे दूध में या ऐसे ही पानी में लगा करके पिए तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, या नहीं तो उसका जो सब्जी या साग कुछ भी हो, इसलिए मोरिंगा इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अलावे अर्जुना, जामुन, नीम, पीपल, आमला इत्यादि। सो वृक्षो रक्षा रक्षितः, हम लोग ट्री प्लांटेशन करे तो वो पेड़ लगाए तो वो पेड़ ही हम लोगों को प्रोटेक्शन करेगा। इसको आप लोगों ध्यान रखे तो आप मतलब किसको दान दे देंगे, एक दिन दे सकता है, दो दिन दे सकता है, ये जो है नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन के लिए दान है। सो कैसा दान होगा, एक पोल्यूशन से मुक्त होगा, दूसरा उस जो पत्ता पल से जो मतलब ह्यूमन से लेकर के जो करोड़ों जीव जंतु है उसके लिए भी आहार हो जाएगा। सो ये सारे मतलब आप लोगों का मतलब एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको उसका ब्लेसिंग मिलेगा। सो ये मैं आपको बताएंगे। दूसरा बहुत लोगों मतलब कुछ हमारा जो इम्पॉर्टेंट स्टेट इंचार्ज वगैरह लोग है, इसके अलावे बहुत पेशेंट्स भी हैं और बहुत आदमी सुनने के लिए भी है, इसलिए मैं आपको कहेंगे फर्स्ट में आप लोगों अपना बॉडी का बारे में ध्यान देना है। अपना बॉडी क्या है, अपना बॉडी जब तक सोल रहेगा, आत्मा रहेगा, उस समय तक उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। जब आत्मा निकले तो इवन चूने से भी बहुत आदमी हिचकिचाएगा। सो इसलिए उस शरीर में वो आत्मा को स्वच्छ मतलब बढ़िया से रखने के लिए पहले बॉडी को आप लोगों को केयरिंग करना है, क्योंकि बॉडी इज लाइक ए ऑड वे एंड आपका आत्मा कैन बी स्टेटेड एज ए सॉफ्टवेयर। सो इसलिए बॉडी को ध्यान देना है। सो बॉडी को क्या ध्यान देना है, एक जो है बॉडी को, बॉडी में जो सेल है, दूसरा बेनिफिशियल माइक्रोब्स है। सो कुछ लोगों ऑलरेडी हमारा लेक्चर सुना है, उसके लिए थोड़ा बोर लगेगा, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ टाइम बहुत आदमी अभी लाइन पर है। सो इसके लिए हर आदमी का मतलब क्या होना चाहिए यही मैं सिखाता हूं। सो ये सेल के लिए क्या चाहिए, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलता है, न्यूट्रिएंट्स जो भगवान हम लोगों को आहार दिया गया है उस आहार में हर न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन क्यों, बिकॉज एक चीज है उसको हम लोगों जो टॉक्सिसिटी हम लोगों ले रहा है। सो टॉक्सिसिटी कैसा है कि आप पेड़ काटे तो देन पेड़ नहीं लगाए तो, और आप लोगों ज्यादा से ज्यादा मतलब पोल्यूशन रिलीज करे तो व्हीकल से लेकर के सो मेनी यू नो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से लेकर के सारे चीज जो वो कार्बन को जो अब्सॉर्प्शन करने की शक्ति वो मतलब प्लांट्स का है, उसको कार्बन सिक्वेस्टर कहता है, उसको करके वो कन्वर्ट हो करके फूड के रूप में बायोमास के रूप में कन्वर्ट होता है। सो वो नहीं हुआ तो टॉक्सिक एयर ऑटोमेटिकली रेज होता है। सेकेंडली क्या होता है कि जीव जंतु जो है वो शिफ्ट होकर के एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ऊपर आ जाता है। जब एग्रीकल्चर क्रॉप को ऊपर आएगा अब पेस्टिसाइड्स मारता है, इसलिए ये विशेष साइकिल है। सो जब हम लोग टॉक्सिक केयर ले रहा है बाई डिफॉल्ट, और बाई डिफॉल्ट हम लोगों पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू फूड ले रहा है, सो उसको डिटॉक्स करने का मेथड क्या है। सो वो एंड प्लस ये टॉक्सिसिटी से हमारा जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हजारों साल से जो ट्रांसफर हुआ है बच्चे को, सो उसको प्रोटेक्शन करना कैसा है। पहले पॉइंट क्या है कि एक चीज है उन लोगों को मतलब है पूरा उसको हम लोग कहते हैं प्रीबायोटिक। सो प्रीबायोटिक लसन 3 से 4 कली एंड अदरक 2 से 3 टुकड़ा, 1 टीस्पून मेथी मतलब पानी में भिगा हुआ, ये तीनों सुबह काली पेट में लेकर के आधा लेमन विथ आधा टीस्पून इवन टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, कुछ काला मिर्च पाउडर मिक्स करके गर्म पानी में लिए तो
सो मतलब कभी भी कोई भी मतलब बीमारी नहीं आएगा। ये क्या होता है इसमें, एक है बॉडी इम्यूनिटी भी हो जाता है सो हाई एंटी ऑक्सीडेंट से इससे, एंड दूसरा जो है ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स अपना काम करता है। सो मतलब क्या काम है अपना, बहुत काम है उसमें, इंपॉर्टेंट काम मैं बताऊंगा, एंजाइम्स रिलीज करने का। सो वो एंजाइम्स क्या काम करता है, एज ए कैटलिस्ट जो खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक करके कौन सा ऑर्गन के लिए क्या चाहिए वो उस सप्लाई करता है। सो ऑटोमेटिकली आपका मोर देन 78 ऑर्गन्स है, सो सारे 78 ऑर्गन्स काम करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुबह आप लोगों घर में जो प्रीबायोटिक है आराम से ले सकता है। एंड उसके बाद में सेकेंडली सेल को डिटॉक्स करना, माइक्रोब्स को भी डिटॉक्स करना। सेल का डिटॉक्स करने मतलब एंटायर आपका बॉडी को डिटॉक्स करना या पंचकर्मा करना, यही होता है। पंचकर्मा करने के लिए हर एज नहीं कर सकता है, नंबर वन। सो नंबर टू, एक सप्ताह का प्रक्रिया है, लेकिन इधर क्या है कि फ्लैक्स डाइट हर दिन बिफोर ब्रेकफास्ट एक ग्लास पिए तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी डिटॉक्स होगा और सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रेगुलेट होगा। अभी फ्लैक्स में क्या है, लिग्नन्स है एंड ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। सो ये हमारा बच्चे को जब ब्लड कैंसर हुआ था उस समय पर हम लोगों जोहाना बटवीक को ये करके हम लोगों उसको वैदिक लिटरेचर का जो भी हो क्लासिकल लिटरेचर उसका अनुसार क्या क्या है बॉडी इम्यूनिटी का उसको और एंटीऑक्सीडेंट क्या है उसको ले करके हम लोगों फ्यूजन किए और इम्प्रोवाइज किया। सो इसलिए उसमें क्या क्या मैं उसको बाद में बता दूंगा। सो ये फ्लैक्स डाइट लिए तो सो ये फ्लैक्स डाइट विदाउट एनी ऑयल, फ्लैक्स ऑयल सिर्फ एक टेबल बीज लिए तो उसका वैल्यू 50 किलो मूंगफली। सो मतलब आप इमेजिन कीजिए 50 किलो वैल्यू 5 उससे एक्सट्रैक्ट करें तो कितना ओमेगा 3 कितना ओमेगा 6 और कितना लिग्निन आता है उतना आता है। ये सारे रिसर्च आर्टिकल बेस्ड ऑन जो है उसी के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग कंज्यूम करना है, ये करें तो ऑटोमेटिकली बॉडी फिटनेस रहेगा। एंड योगा प्राणायाम मेडिटेशन अभी जो हम कहे हैं ये सारे चीज इवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी कहा है, टर्मरिक पाउडर के बारे में, दालचीनी पाउडर के बारे में, लहसुन के बारे में और अदरक के बारे में, ये सारे चीज। सो इसलिए अभी मतलब ये अगेन योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो प्राणायाम क्या है, आपका लंग्स का इनहेलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए है। सो आप कितना प्राणायाम करेंगे आपका लंग्स उतना कैपेसिटी मोर उसको एक्सरसाइज होगा। सो नेचुरली आपका मोर एंड मोर ऑक्सीजन आप मतलब इनहेल कर सकता है। नेचुरली ये ऑक्सीजन का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को बर्निंग करने का है, लेमन लैंग्वेज में कहा है। सो ऑटोमेटिक बर्न करेगा, ये करेगा। सो इसमें एक चीज अगेन बताऊंगा, इसको ले जाने वाला अच्छा चीज को वापस लेने वाला काम ब्लड करता है। ले जाने के लिए ये जाएगा आर्टरी से, वापस आने के लिए मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिन्स को वापस लेकर के हार्ट का थ्रू लंग्स को छोड़ करके प्यूरिफाई करने के लिए और किडनी को छोड़ने के लिए वेन्स के द्वारा आए। सो ये सिंपल आप लोगों का अंडरस्टैंड करें तो ये हो जाएगा। दूसरा मैं बताऊंगा आहारी शरीर, शरीरी आहार कहता है चरक संहिता, आहार में आप लोग कंट्रोल करना है। इसमें बहुत आदमी मतलब जो पैनल में है एंड पेशेंट्स भी उन लोगों है, उन लोगों भी कहा था कि राकेश जी कहा था कि कैसा कैसा आहार को हम लोगों बढ़िया से कंट्रोल करके खाए तो कैसा होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जो वेस्टर्न का फादर ऑफ मेडिसिन जो कहता है हिप्पोक्रेट्स, वो भी कहा है कि फूड शुड बी लाइक ए मेडिसिन। सो आप आहार को मेडिसिन के रूप में लिए तो कभी भी मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो यही चीज है। सो नेक्स्ट मैं बताऊंगा मतलब द यू नो इन्वेंशन इज अ नेसेसिटी। सो हमारा पिताजी का किडनी फेलियर हुआ था, बच्चे का ब्लड कैंसर था एंड प्लस हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, इसलिए ये प्रोडक्ट्स को लाए। एंड उसके बाद में ये बेसिकली सेल रीजनरेशन थेरेपी है एंड ये आयुर्वेदा में मतलब अभी मैं आज का मैं एक खुशी का बात कहेंगे, हमारा बैचमेट श्रीमती जयंती मैडम गुजरात केडर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है।
So maybe she is the first lady to do research by clinical trial on COVID through this Ayurvedic medicines. कोई किसी को हिम्मत नहीं था अभी तक करने के लिए, वो करके आज हमको YouTube हमारा जो WhatsApp में रिलीज किया उनका टॉक, बहुत खुशी लगा. सो इसी तरह से ये आयुर्वेदा इतना पावरफुल है. सो हम क्या है कि हमारा घर का प्रॉब्लम था इसलिए शुरू किया. सो मेन टॉपिक आज का जो इंसोमेनिया एंड वो उसमें मैं कहेंगे कि मेन जो यू नो प्रिपरेटरी करना है फॉर द मेन, इसके लिए वो चीज मैं आप लोगों को कर रहा हूँ. सो इट इज अ बेसिकली यू नो सेल रीजनरेशन थेरेपी. सो सेल रीजनरेशन, एक बार डैमेज हुआ तो हार्गन में अगेन वो रीजनरेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक साइंस. एलोपैथिक साइंस में क्या है बेसिकली, ये जो डिसीजेस जो है पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं जो डिसीजेस माइक्रोबियल्स के हो या वायरस का हो, उसका जो है रिसर्च एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ है. लेकिन ऑर्गन्स का रीजनरेशन, किडनी फेलियर हुआ तो, सो किडनी का विदाउट दिस ट्रांसप्लांट एंड विदाउट ये कुछ नहीं. गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम अभी बोल रहा था, गैस्ट्रिक का कोई सोल्यूशन नहीं. डॉक्टर यू नो गुरु बसुराजू, ही इज अ प्रोफेसर इन जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर, वो भी हमारा जो प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल ट्रायल वगैरह कर रहा है, वो हमको वही कहा, सर अभी तक हम लोगों इवन आयुर्वेदा में भी 100% गैस्ट्रिक का क्लियर हम लोगों नहीं देखा, लेकिन इसमें इट इज देर. सो मैं उसको ये करूंगा. एंड दूसरा मैं आपको बताऊंगा, ये जो प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को मैं कहूंगा. एक चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टोटली 14 प्रोडक्ट्स को मैं इन्वेंट किया और उसमें 8 प्रोडक्ट्स ही मैं रिलीज किया वेद अलग छोड़ करके, स्पेशली फॉर मेन डिसऑर्डर्स के लिए. और वो जो है उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर एक कहा है, हमारा आयुर्वेदा सिम्टम को टच करने के लिए नहीं है, द होल बॉडी का मतलब ठीक करने के लिए. अभी इधर कोई भी आप सप्लीमेंट एडवाइस शीट देखे तो अभी गैस्ट्रिक ट्रीट करे तो आपका मतलब वेट भी कम हो जाता है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है. एंड सिमिलरली आपका पाइल्स के लिए ट्रीट करे तो शुगर भी कंट्रोल हो जाता है, हार्ट का लोअर इजेक्शन फ्रैक्शन रह करके पंपिंग कैपेसिटी कम रहे तो वो भी नॉर्मल हो जाता है. सो ये मल्टीपल इफेक्ट है. सो दिस इज आवर आयुर्वेदा बेसिकली. सो इसमें मैं क्या इतने हम किए कि अभी तक मतलब सारे लिटरेचर में, क्लासिकल लिटरेचर में हर मेडिसिनल प्लांट का बारे में उसका वैल्यू लिखा है, लेकिन किस मेडिसिन प्लांट को किसके साथ में जोड़े तो सिनर्जिटिक इफेक्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखा है अभी. मतलब और भी एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर कहा है कि क्यों आयुर्वेदा ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है, उसका एक यू नो टॉप डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस में कहा है, कोई हमको वीडियो क्लिपिंग भेजा है. एक है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन इधर जो है एवरीथिंग में स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, मैं आप बता देंगे. एंड ऑटोमेटिकली सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं सबको दे रहा है, आवाज आ रहा है. एनीवे पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो नहीं आया मतलब प्रोबेबली नेट का स्लो लगता है. सो डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अभी एसिडिटी क्या है वेरी क्लियर है, कॉन्स्टिपेशन क्या है वेरी क्लियर है, गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या है वेरी क्लियर है, ये सारे गैस्ट्रो क्रोन्स का क्या है वेरी क्लियर है, एंड आईबीएस का क्या है वेरी क्लियर है, एंड प्लस ये पाइल्स का क्या है, फिशर का है वेरी क्लियर है. सो उसको सारे वैदिक लोगों एक तरफ उसको देखो, सो ऑटोमेटिकली इट इज वेरी इजी टू ट्रीट
एंड वेरी इजी टू सी द रिजल्ट्स. ये मैं लगभग मोर देन 30 व्यूअर से ट्रायल एंड एरर करते 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 भगवान की कृपा से क्लिक हो गया. अभी जस्ट नाउ डॉक्टर भारती जी जो कह रहा था, इवन जो पेशेंट कोमा में था उनको वो ठीक किया, हमको भी आश्चर्य लगा. सिर्फ हम जो ठीक किए थे आवाज चला गया था, आवाज आया है, आंख चला गया था, आंख आया है, लेकिन कोमा में जाकर के वो ऐसा पेशेंट को मैंने ट्रीट नहीं किया. सो आई एम रियली एक्सट्रीमली हैप्पी. सो इसमें क्या है कि दिस इज द पावर. हम लोगों का जो अपना घर का मुर्गी दाल का बराबर, ऐसा करके हम लोग अपना आयुर्वेद के बारे में हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस लेना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा क्या है कि नो साउंड नहीं, आई थिंक आपके लिए नहीं आ रहा है, सब लोगों को आ रहा है. काइंडली काइंडली जो किसको नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, नहीं सबको मिल रहा है साउंड. सभी को आवाज आ रहा है? जी जी सर, साउंड नहीं आ रहा है. यस यस यस, किसको नहीं आया कृपया उन लोगों थोड़ा अगेन रीबूट कीजिए तो साउंड क्लियर हो जाएगा. कभी कभी हम भी काम करने के समय पर ऐसे ही हो जाता है, तो कृपया उसको ये कीजिए. सो दूसरा क्या है कि हर चीज अल्टीमेटली माइंडसेट है. अभी मैं इससे मुक्त करना है. हेलो जी, कोई सुना नहीं दे रहा है. आई थिंक सिर्फ कौन आटो अभी आप अगेन उसको लिंक करें. आप अगेन बंद करके अगेन शुरू कर दीजिए, 100% आपको वो साउंड आ जाएगा. तो नाउ आज का टॉपिक जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो ज्यादा नहीं है तो आप लोगों को मतलब आसानी से मतलब ये हो जाएगा. अभी जो आपको बताए थे कि भारत सरकार की गाइडलाइंस, इसमें क्या क्या मतलब कहना है बॉडी इम्यूनिटी एनहांसमेंट करने के लिए, जो ऑलरेडी हम लोगों का जो एडवाइस जो सप्लीमेंट एडवाइस शीट्स में सब कुछ है. सो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका है. एंड दूसरा रूट कॉजेस क्या है. साउंड नहीं आ रहा है आपको, सार का बात सुनने के लिए व्यवस्था कीजिए ना. सुनाई कैसे देगा जो बता रहे हैं, रिपोर्ट करने के लिए भी सुनाई नहीं देगा. फोन करके बोल दीजिए. अरे यार कोई भी सुन रहा हो यार. आप पहले आप बंद कर दीजिए, अगेन आप ज्वाइन कर लीजिए. सर ही इज नॉट गेटिंग योर वॉइस अभी भी. नहीं सर, आई एम टेलिंग, नहीं यू बेटर टू, यस आई विल टाइप इट. हां मैं रिकनेक्ट करता हूं आपको, अगेन आप ज्वाइन कीजिए. हां जी आप ठीक है, आप ठीक है. सो नाउ क्यों मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्यों आता है, मील स्किपिंग करने की वजह से. मील स्किपिंग करे तो ऑटोमेटिकली एसिड ज्यादा फॉर्म हो जाता है, तो एसिड रिफ्लक्स से ही मतलब इंटरनल गैंग्रियन जो हर्निया वगैरह भी हो जाता है. तो ऑलरेडी इसके बारे में एक क्लियरली संजय जी कहा था कि कैसा यू नो मील्स हम स्किप किया, ये काम करने की वजह से कैसा प्रॉब्लम होता है. ये देन ओवर ईटिंग होने का वजह, और आई स्पाइसी एंड ऑयल. सिर्फ स्पाइसी रहे तो स्पाइसी इज लिटरली वैल्यू है. आप जो भी स्पाइसी ले लीजिए वो स्पाइस का रिसर्च आर्टिकल्स एन नंबर ऑफ है, हर जगह में फाइटोकेमिकल्स है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉडी के बारे में काम करता है, लेकिन जो लिमिटेड क्वांटिटी में. लेकिन ऑयल जो है, ऑयली फूड बहुत मतलब डेंजरस है, क्योंकि जो ऑयल आपका मिल रहा है मार्केट में वो ऑयल बहुत कम रेट उन लोगों सेल कर रहा है. आप उसी को रॉ मटेरियल्स लेकर के प्रोडक्शन करके सेल करना चाहे तो
उस कास्ट में नहीं आता है, उसमें आप लोगों को जानकारी हो जाएगा जो ऑयल मतलब मूंगफली का दर ही मतलब प्रोडक्शन कास्ट 250 रुपीस होता है एंड प्लस उसका मार्केटिंग का 300 होता है, वो 180 में कैसे मिलेगा। सो इसलिए जो भी हो ऑयल का कितना कम ऑयल का आए तो अच्छा है। सिमिलरली सॉल्ट एंड कितना प्रोसेस्ड फूड कम का है तो शरीर के लिए उतना अच्छा होता है, मतलब प्लेन रोटी या मतलब राइस, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये माइंड में सेट करना है, पूर्व में था एक बार एसिडिटी हो तो लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए, अभी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। आप खुद ही आप लोगों इसको यूज करके ये कर सकते हैं। अभी देखिए ये क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस इरिटेबल बोल सिंड्रोम, ये तीन जो है जनरली क्या है पेशेंट्स, हम बहुत पेशेंट्स को मैं ठीक किया है, इन लोगों मतलब थक गए हैं 10-15 साल से ट्रीटमेंट ले ले करके, लेकिन उन लोगों को जब ट्रीट अच्छा हो रहा है मतलब सो दैट मींस सेल रीजनरेशन हमारा आयुर्वेदा से हो रहा है। सो मतलब उसके लिए हम क्या किए, आई हैव ब्लेंडेड द एलोपैथिक प्रिंसिपल्स इन आयुर्वेदा। क्या है एलोपैथिक प्रिंसिपल्स में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या जरूरत है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 एंड प्लस डिटॉक्स करने के लिए क्या जरूरत है, लिगनम्स, तो ये सारे अगेन नेचुरल नेचर से जो है उसी को लेकर के इसमें ब्लेंड किए। एंड प्रीबायोटिक्स का क्या जरूरी है, प्रोबायोटिक्स का क्या जरूरी है, अभी लहसुन और अदरक एंड ये खाने के लिए घर का खाने में लगा करके खाने के लिए अभी आयुष मिनिस्ट्री कहा है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग उसको आरा सुबह खाली पेट में खाए तो इट विल एक्ट एज ए प्रीबायोटिक, वो मोर बेनिफिशियल है। सो इसको हम लोगों ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज जो है जो इनक्यूरेबल है अभी वो 100% रिलीफ मिल रहा है। मैं क्यूर वर्ड यूज इसलिए नहीं कर सकता हूँ, एज पर द मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट वी आर नॉट सपोज टू टेल, बट हमारा आयुर्वेद में ये हो रहा है मतलब परमानेंट रिलीफ हम लोग को मिल रहा है। देन पाइल्स फिशर्स, पाइल्स का बारे में मैं कहूंगा अभी रिसेंटली हमको जो IAS पढ़ाने के लिए वन मिस्टर डॉक्टर यू नो हनुमैया ही वाज सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी था, मैंगलोर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी था, लगभग 3 सप्ताह पहले इनको पाइल्स हुआ है एंड बाहर वो सारे मतलब निकल गया है दैट एंटायर यू नो दैट फाइबरस वगैरह जो है एमोराइड का। सो सब डॉक्टर्स कहा अल्टीमेटली उसको ऑपरेशन कराना, अल्टीमेटली वो याद करके हमको मतलब रिंग किया। तो पहले ही आपको मालूम है इंटेलेक्चुअल क्लास को मतलब इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं स्पष्ट कहे भैया ये चीज मैं आपको ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स से मुक्त हुआ है, सो अच्छा है आप ले लीजिए। सो हमारा श्याम जी है जाकर के उनके घर में, वो जाकर के सारा एक्सप्लेन करके आया कल मतलब यस्टरडे सुबह हमको रिंग किया, राजू जी हमको बहुत रिलीफ मिल रहा है, सारे ड्राई हो रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। ओनली द थिंग इज हम लोग सिस्टमेटिकली उसको ऑर्डर वे करना है। कैसा मतलब हमारा राकेश जी फ्रॉम वाराणसी कहा था कि जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन किया है सालोबर से उसको थोड़ा ध्यान करके ये करे तो कोई उसमें दिक्कत है नहीं। सो देन हम आएंगे, सो स्टेप्स टुवर्ड्स रिकवरी में आपको बताएंगे कि अच्छा पानी पीना है, वो भी अच्छा पानी मतलब ऐसा नहीं कि 3 लीटर पीना 4 लीटर पीना है, ऐसा नहीं, जो आपको लगे वो पीना है एंड लाइफस्टाइल चेंज करना है व्हाट एवर आई हैव टोल्ड अर्लियर। एंड प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फ्लैक्स ड्रिंक्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया है एंड देन कैसा अर्बल कॉमर्स डेवलपमेंट हुआ इसका बारे में मैं ऑलरेडी पता है कि हमारे बच्चे का ब्लड कैंसर था, फादर का किडनी फेलियर के डायलिसिस में था और हमको मतलब आर्थराइटिस था, इसलिए 1981 से करते करते सो जब VVIPs को ट्रीट किए उन लोगों शुरू किया कि इसको पब्लिक को ले आना चाहिए, इसका वजह से भारत सरकार और कर्नाटक सरकार का सौजन्य से आज ये प्रोडक्ट एंटर पब्लिक के आया है एंड उससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, हजारों परिवार के लिए एम्प्लॉयमेंट भी इससे हो रहा है। सो आई एम यू नो इंडेटेड टू बोथ द गवर्नमेंट्स फॉर हेल्पिंग दिस।
एंड इसमें जो भी प्रॉफिट है 50% गरीब बच्चे के एजुकेशन के लिए भी है, इसलिए भारत सरकार ओनली इसका जो लॉन्च भी किया, मैं आपको उसका दिखा दूंगा। एंड दूसरा, ये कैसा ये हर्बल कॉम्पाउंड काम करेगा, टेक्निकली स्पीकिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो है सेल रीजनरेशन, जो सेल इसका है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, ये जो है प्रॉबली रीजनरेट होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी साइंटिफिकल स्टडीज एक्सेप्ट पेशेंट्स एंड देयर रिपोर्ट्स, कैसा कैसा मतलब उसका वजह से सारे पैरामीटर्स चेंज हुआ, बिकॉज पेट ठीक हुआ तो बॉडी एंटायर ठीक हो जाता है, इसलिए पेट को आप लोगों ठीक रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देन इसका जो है क्या क्या मतलब ये है लेना है, एसिडिटी के लिए क्या लेना है, पाइल्स के लिए क्या लेना है, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या लेना है, और बनाना स्टेम जूस कितना बार लेना है, नीम पीपल का कितना बार लेना है, फ्लैक्स डाइट कितना बार लेना है, एंड फर्मेंटेड राइस कैसा लेना है, ये सारे चीज में अभी miracledrinks.in लिंक जाएंगे, लिंक जाकर के आपको दिखाए तो आप ही खुद अपना शरीर के लिए फिजिशियन हो सकता है। इतना बढ़िया मैं किया है, प्रॉबेबली राइट नाउ इन द वर्ल्ड कोई भी वेबसाइट हर बीमारी के लिए आई कैनॉट से मोर देन 10,000 बीमारी है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, लेकिन एटलीस्ट मोर देन 170 to 180 डिजीजेस के लिए आप यू कैन सी द एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलीफ। सो नाउ वी विल जस्ट गो टू दैट लिंक, हम आपको दिखा दूंगा। सो देखिए ये miracledrinks.in, ये miracledrinks.in में आप जो है ये जो है ट्रीटमेंट में जाए तो miracledrinks ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज, ट्रीटमेंट लिटरेचर, ये ट्रीटमेंट लिटरेचर भी आपको 12 इंडियन लैंग्वेजेस में है, 6 फॉरेन लैंग्वेजेस में है, एंड होम रेमेडीज टोटल है क्या क्या होम रेमेडीज है। और पहले ट्रीटमेंट में जाएंगे, ट्रीटमेंट में जा करके अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे इम्यून सिस्टम बूस्टर, उसको आप लोग उसको देख सकता है। सो नाउ टुडेस टॉपिक इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। देखिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, अक्यूट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लेक्स, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, गॉल ब्लैडर स्टोन, लेट अस गो टू पाइल्स। पाइल्स फिशर्स का एक ही है, अभी इसमें सारे लिखा है कौन सा लैंग्वेज में आपको चाहिए, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, आप देख सकता है। नाउ लेट अस गो टू हिंदी। देखिए और ये लिए तो इसका अधिक लाभ मधुमेह, गैंग्रीन, बीपी, ये सारे चीज इसमें सुबह क्या लेना है, नीम और पीपल के ताजे पत्ता का रस, वो नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिए तो और फास्ट रिजल्ट मिलता है। देन गैस्ट्रो सपोर्ट, कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट, इम्यून केयर, ये तीनों को 15-15 ml तीनों मिक्स करके लेना है। सिमिलरली दोपहर में क्या लेना, शाम को क्या लेना, क्या ध्यान रखना, आहार क्या रहेगा, एंड उसके बाद में अलसी मट्टा कैसा बनाना है, और उसका नीम और पीपल का ताजा रस कैसा बनाना है, फर्मेंटेड चावल कैसा बनाना है, एंड उसके बाद में केला का तने का रस कैसा बनाना है, और वाटर फ्राइड फिश, इसमें क्या है किडनी पेशेंट्स के लिए हमारा पिताजी के ऊपर ये करके ट्रायल करके इसको ले आए थे। एक पेशेंट हमको पूछा, इज हैविंग यू नो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसको ठीक हो रहा था, सर सबको किडनी पेशेंट को ही क्यों इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन पंप करने के लिए आप एडवाइस कर रहे हैं, क्यों अन्य हेल्थ डिसऑर्डर्स को एडवोकेट नहीं कर रहा। देन में इसको पूरा सभी अन्य सारे बीमारी को भी वाटर फ्राइड फिश एवं मशरूम या विजिटेड रही तो मशरूम, सो इसको कैसा बनाना, ये सारे चीज में है। एंड उसके बाद में योग का बारे में भी जो अभी इतना प्रचार कर रहा है, क्या मतलब उसका महत्व है ह्यूमिनिटी अनाउंसमेंट करने के लिए, ये पहले ही लिखा है भस्त्रिका 46 20 मिनट्स लगेगा, एंड देन ये जो
अनुलोम विलोम 20 सेट्स, ये 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स लगेगा, वो 20 मिनट्स में यू कैन रियली यू नो चार्ज लाइक एनीथिंग, इतना एनर्जी लेवल आपको बूस्ट होगा. सो देन मैं सो अभी हम लोगों चलेंगे इंसोमेनिया. इंसोमेनिया जस्ट उसको फ्यू मिनट्स ओनली लेंगे क्योंकि सारे चीज पहले ही मैं बोल चुका है. एंड उसमें इंसोमेनिया तभी मैं शेयर करूंगा. इफेक्ट्स ऑफ यू नो ये एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, ये सारे चीज 5 मिनट से 1 घंटे का अंदर, इवन चेस्ट में जो मतलब जो मतलब गैस सालों से रहता है, कभी कभी बाहर भी नहीं आता है, अंदर भी नहीं जाता है, ऐसा स्थिति में 1 घंटे में ही आप लोग उसको इम्पैक्ट दे सकता है. पहले 30 ml पीना है, 30 ml में नहीं हुआ तो 60 ml लेना है, 60 ml 90 लेंगे, 1 घंटे का अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें कोई मतलब ये नहीं. उसके बाद में एज यूजुअल 30 ml लेकर के 30 साल का जो प्रॉब्लम रहे तो 1 महीना रहे तो देन अगेन परमानेंट इसको लेने का जरूरत नहीं. जो कुछ लोग क्रॉनिक पेशेंट्स है उन लोगों एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं उन लोगों ले सकते हैं. देन इंसोमेनिया एंड डिप्रेशन. सो इंसोमेनिया एंड डिप्रेशन ये दोनों एयरलाइनर डिफरेंस है. सो डिप्रेशन इंसोमेनिया का बाप है. सो डिप्रेशन का वजह से ही इंसोमेनिया आता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. कुछ आर्टिकल में पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड में सुबह में एक लेक्चर दे रहे थे कन्नड़ में, उसको गलती बताई 30%, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर हैविंग दिस यू नो डिप्रेशन एंड कमिंग इन टू द इंसोमेनिया. सो इसके लिए इसमें मैं आपको बताऊं, ये हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है हमको, बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च प्रोडक्ट सो मेनी प्रॉब्लम की वजह से नींद मतलब खत्म हो गया. सो ऐसा खत्म हो गया नींद आप लोगों इमेजिन नहीं कर सकता है, हमारा जिंदगी में नहीं सोचे थे कि नींद भी इतना इंपॉर्टेंट है. बाद में हमको लगता लगभग 7 मंथ्स में सफर किया मैं उस वो भी सेम जैसा आप लोग गए थे ट्रीटमेंट में, उधर इंसोमिनिया ऑटोमेटिकली आप देख सकता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लिखा है सारे चीज, फर्स्ट डे केस सेकेंड डे. सो वो उसमें हमारा एक्सपीरियंस में आपको बताएंगे जिंदगी में जो मतलब रोड पर किनारे में एंड रेलवे इसमें मतलब स्टेशन में इतना आवाज रहे तो भी आराम से सोता रहता है, वही लोग रियल राजा ऐसा हमको लगा उस समय पर. क्योंकि यू कैन नॉट इमेजिन आप है ऐसे ही है मतलब एंटायर डे नाइट नींद नहीं आता था. अल्टीमेटली 3 साइकेट्रिस्ट हमको ट्रीट किया. सो बाद में चंद्रशेखर एक रिटायर्ड नेंस का था, वो हमको ट्रीट करके वो दवा दे दिया, नींद अच्छा आ गया. लेकिन देखते 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 हमारा बॉडी टोटली मतलब पोटेंसी खत्म हो गया एंड सुबह 9 बजे उठते थे. एंड उसके बाद में हमारा वाइफ कहे कि ये जो जो भी ड्रग्स है ये लॉन्ग टर्म लिए तो अल्टीमेटली पार्किंसन आएगा एंड टोटली डिसेबल्ड हो जाएंगे ऐसा. देन मैं उस समय पर स्टडी बहुत कर दिए थे लेकिन हिम्मत नहीं था, मेडिटेशन में 100% इंसोमिया खत्म हो जाएगा ऐसा. देन मैं इंसोमिनिया के लिए मेडिटेशन किए एंड 100% छोड़ दिए ड्रग्स को. फर्स्ट डे नींद आया बिकॉज ऑफ द रेसिड्यूअल इफेक्ट, सेकेंड डे नहीं आया, थर्ड डे नहीं आया, फोर्थ डे हमको डर गए थे एंड गूगल में सर्च किया रात में 1:30 बजे, इज इट मेडिटेशन सफाइस फॉर इंसोमिनिया, देन इट सेड यस. सो देयर आफ्टर उसी आधा नींद आया. सो देयर आफ्टर धीरे 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 हुआ. एंड अभी आपको बेस्ट एग्जाम्पल्स बताएंगे. एक है कि इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन उदयपुर मेडिकल कॉलेज है, ब्रह्म कुमारी फॉलोअर है, थ्रू ब्रह्म कुमारी हमको कनेक्ट हुआ और उनको हमारा
पूरा एक्सपीरियंस बता करके उनको जो इम्यून केयर एंड एंटी एजिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर का में रीनल केयर का ये किए एंड मेडिटेशन के बारे में कहा है, एक सप्ताह में ही उनको क्लियर हो गया 6 ईयर टू 7 ईयर का इंसोमनिया प्रॉब्लम था। सिमिलरली हमारा बैचमेट श्रीमती निपमा जी है, शी इज IRTS एंड DGM DRM रैंक है दिल्ली में, और उनका भी इंसोमनिया होकर के ऐसा प्रॉब्लम थी उनको, एंड उनको ऑफकोर्स 30-35 डेज लगा 100% इंसोमनिया से बाहर आ गई, एंड इवन कान में कुछ ये भी वूजिंग होता था वो भी हो गया, क्लियर हो गया, एंड उनका वेट जो है 10 किलो एक ही महीने में डाउन हुआ है। सो इतना इम्पैक्ट पड़ा ओवरऑल बॉडी के लिए। सो सिमिलरली एक लेडी है, शी इज 29 ईयर ओल्ड फ्रॉम रामनगर कर्नाटक का, एंड उसके लिए उनके लिए भी 4-5 साल था, लेकिन उनको वही कहे आप इतना यंग लेडी है जिंदगी भर आप ये सफर करना पड़ता है, आप मेडिटेशन कीजिए एंड ये कीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। यू बिलीव मी एंड अगेन आई टोल्ड हर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर रहे तो कोई दूसरा लिखा है प्रोसीजर उसको प्रैक्टिस करने वाला है, हम खुद भोगी है से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपको आश्चर्य लगेगा उसी दिन नाइट उसको नींद आया है, मतलब साइकोलॉजिकली भी कितना चेंजेस होता है। सो नेक्स्ट डे उनका माँ को कह करके हमसे बात कराए। सो इस तरह से इंसोमेनिया या एनी बॉडी पेन रहे तो डिप्रेशन रहे तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिटेशन इज अल्टीमेट। सो नाउ क्वेश्चन आएगा मेडिटेशन कैसा करना है, बहुत आदमी बहुत तरीका कहता है, वेरी सिंपल है। सो लॉर्ड बुद्धा का प्रिंसिपल है ये जो मैं कह रहा हूँ, आप भगवान को वगैरह करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी बॉडी पेन रहने का समय पर भगवान नहीं आता है, सब खुशी रहने का समय पर खुशी से भगवान को याद कर सकता है, लेकिन पेन रहने पेन पहले आता है। इसलिए आप सिंपली आपका श्वास कैसा जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन, आपका बॉडी में जो भी पेन हो 15 मिनट से 20 मिनट में मतलब आप चेंजेस देख सकता है। जर्नी करने का समय पर कब समय मिलता है आंख बंद कर देना, आंख बंद करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, सो दैट इज नथिंग बट मेडिटेशन सिंपलीफाइड मतलब वर्शन है वो। उसमें 3 चक्र जो कहता है कि पहले ये एंड चेस्ट एंड नाभि ये मतलब ये नहीं है, इवन जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योगा एंड प्राणायाम उन लोगों को भी इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स जो था बैक पेन, यही मैं सारे ये करके उसको भी मैं ये कराया है। सो इसलिए ये चीज है। एंड दूसरा मैं आप लोगों को अभी जो आज पेशेंट्स को जो मतलब कैसा मतलब ये कराए थे इसका जो फ्यू मिनट्स का वीडियो है ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो हमारा जो ये किया था लॉन्चिंग उसमें कैसा पेशेंट्स का बारे में बताया है, आप लोगों सुने तो यू विल बी यू नो अमेज्ड टू हियर दैट। सो काइंडली उसको मैं लगा दूंगा। इसमें लगता है कि स्क्रीन शेयर नहीं है आयुर्वेदा।
श्री एस एन झा साहब जी, रिटायर चीफ जस्टिस राजस्थान, श्री स्किन से नहीं है, शशांक सिंह जी मधुरभाई रिटायर जज पटना हाईकोर्ट, श्री राजेंद्र प्रसाद रिटायर पटना हाईकोर्ट, मिसेस जरीना वहाबी फिल्म एक्टर, डिमिट्री ऑफ द डाइस, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्कार, देख रहे हैं कि सब ये नहीं देख रहा है कैसा डीवीडी नहीं देख रहा है. एंड वेरी वार्म वेलकम टू लॉन्चिंग सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मधु फ्लोरा एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड. दिस प्रोडक्ट इन्वेंटेड बाय श्री एस एन राजू एंड आईएसएफ ऑफिसर हिमसेल्फ based on the fundamentals of Vedic literature and is a product promoting wellness. It is interesting to know that he was driven for this research to find cure for life-threatening ailment of his father and son. मैं राजू जी के लिए दिनकर की दो पंक्ति कहूंगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी को आज ये यहाँ ठीक है. परम आदरणीय श्रीपत नायक जी के कर कमलों से इन्होंने इसका लॉन्च किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ डैश पर बैठे लगभग मैं भी एक पेशेंट हूँ. और जो राजेंद्र बाबू और जलीना जी जिस रोग से ठहरने के रोग से उसी रोग से मैं भी, और नाम नहीं कहूंगा, एम्स में डॉक्टर ने वही कहा जो राजेंद्र बाबू को कहा, लेकिन आज वही स्थिति है जो पहले दोनों ने कह चुका. कभी किसी ने कहा कि तुलसीदास क्यों इतने बड़े देश में, तो उनके पीछे उनकी पत्नी का नाम आता है, लेकिन आज इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ पर पहुंचाने का काम. मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं 6 तल्ले तक पहुंचे. और मेरे एक ग्रामीण, वो लड़का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उसका एक पहले हो चुका था, दूसरा वो मुंबई रहता. मैंने कहा कि देखो तुम्हारा हो ही रहा है, एक डॉक्टर तो नहीं है लेकिन सुपर डॉक्टर है, उसने दवा बनाई है, तुम भगवान पर भरोसा करो और हम पर भरोसा करो, वो दवा तुम लो, कुछ जाने वाला नहीं है. वो कहने पर लिया और आज वो लड़का, अभी वो स्थिति तो नहीं आई है कि उसका ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं, लेकिन डे बाय डे वो अच्छा अपने को फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है. उसके सारे जो किडनी के अभी पैरामीटर थे वो सब कंट्रोल हो रहे हैं. तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये
कोई बड़े हस्ती के साथ अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दबाव से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। ये एक बहुत सुखद अवसर है और इस सुखद अवसर में मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी जिसको सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन, और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई अधिकारी हो तो ऐसा, जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दे क्या है क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को गैस पर जमा किया, कोई हो या ना हो, दो चार पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम चार पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े, इधर भी होंगे, अब तो दवा दे नहीं रहे हैं, एक हफ्ता से मैं मांग रहा हूँ दवा, ये दे ही नहीं रहे, पता नहीं मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है क्या है उनका। तो मैं आज के अवसर पर केवल राजू जी को ये कहूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत अभी दो क्वेश्चंस आया, एक वन मिस्टर आर एन जा साहब है, इज फ्रॉम हरियाणा, उनको कैसा अच्छा हुआ है वो बोलना चाहता है, आप लोगों का मैं उनको बोलने के लिए हूँ, बताऊंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड, आर एन जा, आर एन जा, सो आर एन जा जी आप बोल सकते हैं, बताइए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आर एन जा जी सुन पा रहे हैं, वो म्यूट में है, अनम्यूट करना चाहिए, आरएन झा जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। एनीवे, और दूसरा एक जेंटलमैन, उनका नाम नहीं बता है, 7980161884 लोअर रिजेक्शन फ्रैक्शन 80% आर काम कर रहा है, प्लस एसिडिटी है, हमारा ऑफिशियल्स काम रिंग करेगा, करके उसका जो है प्रोटोकॉल वगैरह बताएगा, सो और कोई मतलब शेखर पॉल जी हैं ओडिशा से, सो आज बताएंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में, कई सारे पेशेंट को उन्होंने ठीक किया है और उसके एक्सपीरियंस के बारे में, शेखर पॉल जी आप अपना माइक ओपन कर ले और बताएं। हेलो जी, राजू सर नमस्ते जी, नमस्ते 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 सर, राजू सर, सर ऐसे तो बहुत सारे टेस्टिमोनी मेरे पास है एक साल से, आज हमने तो कैंसर का जो है, मेरे को सुन पा रहे हैं, बोले बोले, हाँ हमने तो कैंसर का भी इलाज किया है, जो कि फोर्थ स्टेज में सारे हॉस्पिटल लौटा दिए थे, ऐसे रिजल्ट आया है, स्पॉन्डाइलाइटिस में रिजल्ट आया है, डायबिटीज मेरा खुद का प्री डायबिटीज था, मैं ठीक हो गया,
कुछ दिन पहले मेरा 2-3 महीना पहले एसिड गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था और जितना एंटीबायोटिक है हमारा हॉस्पिटल का मैं ख़त्म कर दिया था, तो बहुत ही निराश था। फिर मैं सोचा कि मैं गैस्ट्रो क्यों नहीं ले रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ। मैं दिया लिया और 1 महीना लेने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और श्रद्धांजलि बेहरा बोल के एक हमारा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का पाटनागढ़ शहर से हैं, उनको 7 साल से एसिड गैस्ट्रिक बहुत था, कई जगह गए थे उन लोगों ने और निराश हो गए थे। तब हमारे मिराकल ड्रिंक्स उन्होंने लिया, मिराकल ड्रिंक्स लेने के बाद एक वीक में, 1 सप्ताह में उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। करीबन वो 2 महीना वो रिजल्ट लिए और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे हैं सर, एसिड गैस्ट्रिक का है और किडनी प्रॉब्लम के लिए भी हम जिनका डायलिसिस चल रहा था उनको दिए, वो ठीक है, डायलिसिस बंद हो गया है। बस थैंक यू। डायलिसिस कितना दिन से बंद हो गया है? डायलिसिस कितना दिन लेने के बाद बंद हो गया है ये बताइए सर। ये बाद में कितना महीने में डायलिसिस, क्योंकि इधर देख रहा हूँ 4 महीना 5 महीना 6 महीने में बंद हो रहा है, लेकिन आप जो ट्रीट किया है कितना महीना का बाद में किया है ये बताइए। 3 महीना सर, 3 महीना उनको मूड ठीक रखा है, मतलब खाना क्या खाना क्या नहीं खाना इसलिए लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और टेस्टिमोनियल है जो बिहार से है, भूपेंद्र बैठा जी प्लीज बोले। नमस्कार सर। नमस्कार, उपाध्याय जी भी बताएगा। सर मेरे स्टाफ को क्या कहते हैं पैर का प्रॉब्लम था, मेरा साला जो है वो भी डॉक्टर है दरभंगा में, तो मेरे स्टाफ को प्रॉब्लम होता था तो अपने डॉक्टर बेटा से उपचार करते थे, अंग्रेजी दवाई दे लेती थी, फिर कुछ दिन बाद वही प्रॉब्लम आ जाता। फिर हुआ क्या कि अरुण साहब जो पूर्णिया के, मैंने कहा कि भूपेंद्र जी घर को यूज कराइए और देखिए क्या परिणाम होता है, तो मैंने उसका यूज करवाया। 4-5 दिन तक कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन 4-5 दिन के बाद सर को फोन किया, कोई खास बात होने है ठीक है और वेट कर लीजिए। और 1 सप्ताह होते होते मेरे साथ खुद कहने लगे कि हमको जो प्रॉब्लम था बवासीर का अब वो नहीं है, और धीरे धीरे जो 2 फाइल यूज करवाए हैं और हमारा जो ताला है जो दरभंगा से वो भी काफी खुश हुआ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोला है राजू साहब को, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारी माँ का पैर ठीक हो गया। और सर इस दवाई पर मिरेकल ड्रिंक पर उनको बहुत ज्यादा दिल हुआ बढ़ने लगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भूपेंद्र जी। तो मधु प्रसाद उपाध्याय जी शिलोंग से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में बहुत मतलब रिजल्ट्स देखा है, काइंडली बताइए ना मधु जी। मधु जी सुन पा रहे हैं? मधु प्रसाद उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? कनेक्ट नहीं हो रहा लगता है। एंड मिस्टर ये निरंजन मलाकर, मलाकर जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं है। देन अनूप जी बताएगा, शर्मा जी, अपूर्वा जी, अपूर्वा जी सर, गुड इवनिंग सर। आई एम सॉरी, अनूप अनूप ही आ जाता है, अपूर्व जो अपूर्व यू नो सेक्रेड। एक्सेलेंट, गुड इवनिंग, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। अच्छा, मेरा एक्चुअली टेस्टिमोनियल एक ही है मेरा अपना खुद का ऊपर। मैं एक्चुअली थोड़ा मेरा मिसेस को गैस्ट्रिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम थे और मैं लीवर का था, लीवर का आपको थोड़ा फैटी लीवर था, तो मैं आज हेलो हाँ सुन रहा है सुन रहा है आज हम 1 महीना से मैं लिया है। पहले तो 15 डेज में हमारा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम पूरा क्योर हो गया, तो लीवर का भी हम ओत किया है, टेस्ट किया है, तो मेरा अभी लीवर का भी नॉर्मल आ गया। तो मैं मेरा बहुत दोस्त को दिया हूँ,
तो वो लोग को भी काफी अच्छा लगा, वो लोग को गैस्ट्रिक का बहुत सॉल्व हो गया। तो हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं। हाँ तो अभी क्या, ये तो मिराकल ड्रिंक जो है ये तो मैंने क्या बोलू इसका, बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छा लग रहा है जो राजू सर का जो कॉन्फिडेंट वो हम लोग को भी आ गया इसमें, हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट आ गया इस प्रोडक्ट का ऊपर। तो अभी अचानक जो हम लोग का यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गया तो ये तो ठीक होने का बाद तो नॉर्थ ईस्ट में काफी बिजनेस होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है शुगर, उसके बाद किडनी और गैस्ट्रिक का, ये कॉमन प्रॉब्लम है ड्यू टू द एनवायरनमेंट। तो मैं ये चाहता हूँ तो जल्दी जल्दी यहाँ पर एक अच्छा एक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए एक सुविधा व्यवस्था कीजिए। और महीना में कम से कम दो बार ऐसा प्रोग्राम रखिए ताकि हम लोग भी बूस्ट अप हो जाए। वंडरफुल, ये बहुत जरूरी है कंपनी से एक वो बूस्ट अप करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ तो अच्छा, ये बहुत भविष्य बहुत अच्छा होगा ये प्रोडक्ट के लिए। हम लोग तो विक्रम से, मालाकर से, दुबे से तो मैं हर टाइम टच में रहता हूँ। तो दुबे को भी हम खींचूंगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आने के लिए, बहुत मैंने करता हूँ। तो सर वही है, अच्छा है, आप लोग को सब ठीक ठाक करना है, फिर काम आगे बढ़ना है नॉर्थ ईस्ट में। अभी हमारे बैच में एक तो निरुपमा मैडम आए हुआ लगता है। यस सर, यस सर, मैडम आई है। हां, गुड इवनिंग राजू, I am blessed to be a part of this conference. I have been listening since the beginning. Maybe I was not another, you know, angel to, you know, disseminate that, you know, the good health. Aapka wajah se hi insomnia mein aaj gastro ka bahut aadmi request kiya tha, usne ye bhi add karke ye kiya, and I'm so, you know, surprised. Yeah. I have been hearing since the beginning. Maybe you could not see me, but I was able to hear everything. And so I wanted to first give my personal testimony once again. So I heard you, madam, please. That in June 2018, I had swallowed undiluted apple cider vinegar. And it created so much of a problem for me that I started suffering from chronic insomnia. I had a feeling that something was coming out of my ears continuously. My glottis had become small. In fact, I was in very bad physical shape for about 6 to 7 months. And then as this miracle drink, I knew my batchmate was, he's blessed, he's a man of God. I don't know, God connected me to you. And I was suffering from such severe insomnia, continuously taking sleeping pills, and my life was really, this is the first time in my life that I really felt sick. I never thought I could fall sick. And I started the protocol which you had given me. You sent me those medicines, especially the flaxseed oil mixed with that powder, Raju, called Capuchico. How do you pronounce it? That powder. Yes. Yes, that's right. And I started taking it, and from day one itself, I was able to start taking my walk, feel like a normal person. You guided me so meticulously. And after, I heard you say 30 to 35 days, but I should say that I was perfectly in control of the situation after 10 to 15 days. And And after that, I've never felt the need for a sleeping pill. I'm a walking, talking, living testimony for miracle drinks. Thank you, my batchmate. I feel blessed. And I must say that this testimony of mine should inspire others also not to take this series of sleeping pills, because as you yourself mentioned some time ago, this can cause serious long-term consequences for all of us. And I'm really blessed to be a part of Miracle Drinks. Thank you so much. Thank you, Nirvama. Thank you. I was really surprised by seeing your face, you know. I never knew that I've been on the panel since the beginning, and I just wanted to also take your advice. I messaged. Yes, I was listening from the very beginning. The other issue on the gastro, I wanted to find out. Actually, my son was hospitalized in November with a stricture of the small intestine. Mm. And there were 2 points of focal narrowing, and he was put on a Ryle's tube. In fact, he lost 12 kgs, and they said we'll have to do a 5-hour surgery. But I refused to do the surgery on him, and I forcibly got him out of the hospital.
and I was just treating him at home with a proper diet, but I'm sure miracle drinks would have a cure for this. So I want to take your advice that do we have a possibility of treating this kind of 100%? I'm telling you, Nirpama, that you know, anyway, now this logistic has got a streamline. So tomorrow itself, you know, I will see that it will be dispatched to you. And he has to consume the protocol which I have defined for the files and pressure, same thing. Morning, you know, gastro care and liver care and renal care. And afternoon is cardiovascular. And same evening, morning protocol. With yes. 2 times flax diet, 100% you will come from that problem. No need. Great. Yes, we are blessed. We are blessed. We are blessed in you. I'm so happy. And again, you know, sabhi audience ko main kahunga, hundreds of audience hai. So, jo natural birth aap logo promote karna hai, usse kya hota hai ki 100% jo hai, maa ka beneficial microbes transfer hota hai. So, maa ka beneficial microbes transfer ho to body immunity enormous rata hai because unka gut जो बच्चे का जो है मोर फ्लॉरिशिंग दैट बेनिफिशियल माइक्रोब्स देन द सी सेक्शन वन बिकॉज ये बहुत आर्टिकल्स में पढ़ा है एंड यूरोपियन यूनियन का जो रिसर्च आर्टिकल्स इन दिस रिगार्ड सो इसलिए उसको जो कितना आदमी है उन लोगों को प्रमोट करना है कि नेचुरल बर्थ के लिए नेचुरल प्रोसेस हो जाना बर्थ के साथ सो इट्स रियली यू नो pleasure to see you. I never, you know, predicted up on some meeting. I'm just a yadaya. I've been on it since the very beginning. I've been listening. Wonderful. Thank you very much. And then Mr. Satish, aap kuch kahna chahe to? Satish, tell me. Mute Madi, mute. ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ No, you tell me about weight scan, how you have not changed, you know, in your lifestyle and the sugar level and all. Yeah. Now I am regularly taking sugar care and liver care, cardio, and now it's tested just before 2 days back. Before food is around 60, and after food is 160. It is coming normal, and all allopathic medicine is used. Allopathic medicine is used, and now I am very happy and going and with walking and doing meditation. Everything I am doing it, and very very cool. Body is very very cool, and less weight. And very good condition in my healthy life. So wonderful. Thank you, Mr. And today, sab log ko crisis mein management kiya. Isme hirpa mein madam only, aap madam only aap log ko. So aap logo unko indigent kar dena hai. So anyway, aur kuch nahi hai na, Mr. नहीं सर ऑलमोस्ट हो गए सर तो मधु प्रसाद जी का कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है सो विक्रम जी हाँ विक्रम जी टू है शिलोंग से हाँ प्लीज बताइए विक्रम जी जब हम शिलोंग आए थे क्या क्या वो आप बोल रहे थे विक्रम जी सुन पा रहे हैं विक्रम सेट्री सिलीगुड़ी
विक्रम सेठी फ्रॉम सिलीगुड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम लग रहा है सुन नहीं पा रहे टुना जी विक्रम सेठी फ्रॉम सिलीगुड़ी आपको देखिए नहीं कनेक्ट नहीं हुए सो देन एनीवे आई होप दैट आज का टॉक सब लोगों को मतलब कुछ हद तक बेनिफिट्स हुआ लगता है यस यस इतना आदमी मतलब अभी पार्टिसिपेंट्स मोर देन ऑलमोस्ट 1.5-2 hours से मतलब पेशेंटली बैठ करके मैं सुना है सो आई एम रियली इंडेड टू ऑल एवरी मंथ में ये रखना है सर नहीं एवरी संडे रहेगा एक एक पीसेस के बारे में नेक्स्ट संडे रहेगा बारे में संडे अच्छा होता है सर संडे में रखिए सर और कुछ कहना चाहता है सर कल तुम्हारी मीटिंग है मैं चाहता हूँ सारे लोग आए बिजनेस प्लान को लेके है ना क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन बिजनेस की आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ये प्लान कैसे काम करता है कैसे आपको अच्छे पैसे आएंगे इस प्लान को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे और आपके पास जो भी क्वेरी होगी उसको हम लोग क्वेश्चन से भी करेंगे ठीक है हेलो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर 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 टीसू फ्रॉम भागलपुर दे हैव सम क्वेश्चन टेल मी टीसू कुमार इज फ्रॉम भागलपुर सर टीसू कुमार ओपन कीजिए प्लीज 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 ओपन नाम अपना माइक अनम्यूट कीजिए टीसू कुमारी नहीं मैच नहीं कर रहा है इनका नाम टीसू कुमारी फ्रॉम भागलपुर ही हैज सम क्वेश्चंस क्या क्वेश्चन है आप अपना सवाल कीजिए म्यूट करके म्यूट ओपन करके हाथ उठाया है कि ठीक है एक है हाँ बताइए पहले आज जो है सर मेरी एक प्रश्न है कुछ पेशेंट ने मेरे को पूछा है एक सेकंड में इधर जो है जो आदमी हाथ उठा रहा है उनको मैं अलाउ किया है बात करने के लिए वन सेकंड पैनल बात नहीं करना कृपया बताइए कौन है आप क्वेश्चन एंड आंसर में भेज दीजिए मैं उसको उत्तर दे दूंगा और नेक्स्ट जो है मंगल मौर्य मंगल मौर्य बताइए मंगल मौर्य आपको अलो किया है मंगल मौर्य जी मंगल मौर्य जी अभी कनेक्ट कर दीजिए मंगल मौर्य जी पूछिए क्या सवाल है आपके नहीं वो भी नहीं हो रहा है देन राम सागर सिवान बताइए अलोक किया है आपका आवाज आएगा राम सागर जी नो कनेक्ट नहीं हो रहा राम सागर जी सिवान से देन विश्वदे बधु वर्मा जी विश्व बंधु बताइए जी नमस्कार सर सर मेरा प्रॉब्लम जो है सर कॉन्स्टिपेशन है सर कॉन्स्टिपेशन है गैस का प्रॉब्लम है और सर फैटी लिवर है सर ठीक है आपका मोबाइल नंबर बताइए 9932 6564 30 अभी मैं इसको इधर ही देखवा दूंगा
क्या आप लेना है, आप भी मास्टर हो जाएंगे, देख लीजिए। वन सेकेंड शेयर करूंगा आपका प्रॉब्लम जो है। देखिए आपका जो है जी सर फैटी लिवर भी बोल रहे थे ना जी सर। हाँ देखिए प्रीडोमिनेंट फैटी लिवर लेना है, फैटी लिवर। सो अभी देखिए स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन में ये फैटी लिवर कहा लिवर का प्रॉब्लम इधर आ गया। सो इधर आ गया फैटी लिवर, ठीक है। इसको आप फैटी लिवर खुल गया, आप हिंदी या इंग्लिश में चाहिए? हिंदी हिंदी सर। हिंदी देखिए हिंदी खुल गया। बोल रहा है देखिए ये जो है टोटल इतना लिवर प्रॉब्लम्स के लिए, ये लिवर के लिए ये क्या लेना है सुबह दोपहर में शाम को, ये पूरा इसमें है। इसका बावजूद हमारा मतलब कंसल्टेंट आपको रिंग बोलेगा एंड इसमें सिर्फ आप S1 जो में S6 ऐड करना है गेस्ट का, दैट्स ऑल। S6 S5 मॉर्निंग एंड आफ्टरनून इज S3 इवनिंग S6 S4 S5 आपका फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या सर? S6 और हां S6 और सर S6 S4 आवाज नहीं आ रहा है। S5 मॉर्निंग एंड इवनिंग अभी सर मेन प्रॉब्लम S5 अभी सर मेन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का है। S6 से मैं लेना रिमेनिंग आवाज नहीं आ रहा है कि वही S6 कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा। S6 इसमें 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन S6 सर। फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा लेकिन सर में देखिए इसमें लिखा है विश्वपूरित आहार ही में लिख दिया है, इतना आहार आप छोड़ना है 3 महीना 4 महीना सारे चीज दिक्कत हो जाएगा। सर मेन प्रॉब्लम अभी कॉन्स्टिपेशन का है सर। कॉन्स्टिपेशन कराए तो सिर्फ गैस्ट्रो लिए तो बस हो जाएगा। गैस्ट्रो सुबह और शाम को 30-30 ml और दोपहर में लिवर केयर, दैट्स ऑल। कौन कौन वाला सर? S6 S4 और नहीं 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 ये सुबह और शाम को दोपहर में S4 जी सर। और उसको आप आप बोल रहा है कॉन्स्टिपेशन जी, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन आ गया हिंदी में जी। फिर गैस्ट्रिक समस्या, कब्जा, सूजन, ये सारे चीज सुबह 6 हम जो बोले थे, दोपहर में 4 लेना है 4 नंबर, शाम को 6, इसमें 4 नहीं लिखा है, 4 लिए तो और थोड़ा फास्ट जी सर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर
Thank you.